आइए भक्ति में लीन होने के लिए वोकल म्यूजिक भक्ति को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें। नरक चतुर्दशी की कथा। प्राचीन समय में वंती देव नामक राजा राज करते थे। वह पहले जन्म में धर्मात्मा और दानी थे। उन्हीं पूर्वकृत कर्मों से इस जन्म में भी राजा ने अपार दान आदि देकर सत्कार्य किए। जब उसका अंत समय आया तब यमराज के दूत उन्हें लेने आए। बार बार राजा को लाल लाल आंखें निकाल कर कह रहे थे, राजन नरक में चलो, तुम्हें वहीं चलना पड़ेगा। इस पर राजा घबराया और नरक में चलने का कारण पूछा। यम के दूतों ने कहा, राजन आपने जो दान पुण्य किया है उसे तो समस्त विश्व जानता है, किंतु पाप का केवल भगवान और धर्मराज ही जानते हैं। राजा बोला, उस पाप को मुझे भी बताओ जिससे उसका निवारण किया जा सके। यमदूत बोले, एक बार तुम्हारे द्वार से भूख से व्याकुल एक ब्राह्मण लौट गया था, इससे तुझे नरक में जाना पड़ेगा। यह सुन राजा ने यमदूतों से विनती की कि मेरी आयु 1 वर्ष बढ़ा दी जाए। इस बात को दूतों ने बिना सोच विचार किए ही स्वीकार कर लिया और राजा की आयु 1 साल के लिए बढ़ा दी गई। यमदूत चले गए। राजा ने ऋषि मुनियों के पास जाकर इस पाप से मुक्ति का उपाय पूछा। मुनियों ने बतलाया, राजन तुम कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को व्रत रखकर भगवान कृष्ण का पूजन करना, ब्राह्मण भोजन कराना तथा दान देकर सब अपराध सुनाकर क्षमा मांगना, तब तुम पाप मुक्त हो जाओगे। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आने पर राजा ने नियम पूर्वक व्रत रखा और अंत में विष्णु लोक को चला गया। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।